नमस्कार, मेरा आप सभी वेब वर्क और सोशल ट्रेड के जितने भी पब्लिशर्स हैं, दोनों कंपनियों के पब्लिशर को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप भी सोशल ट्रेड वाले लगभग 15-16 दिन से भुगत रहे हैं जो प्रोपोगंडा हुआ है, और साथ में वेब वर्क वाले भी भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, इनसे इस सारी चीज़ से बाहर निकल के फिर दोबारा से हमारी कंपनी रन हो, दोबारा से कंपनी ये चले, इसके लिए हमें भी सहयोग करना होगा। अब ये सहयोग कैसा होगा, पहले भी अगर 5 साल पहले की भी बात की जाए तो ये चीज़ें पहले भी कुछ कंपनियों के साथ हो चुकी हैं। उन्होंने भी पूरा साथ अपनी कंपनी का दिया और आज वो फिर बढ़ चढ़ के बिजनेस कर रहे हैं, अपना स्वदेशी बिजनेस। दोस्तों, वेब वर्क और सोशल ट्रेड भी हमारी स्वदेशी कंपनियां हैं, कोई विदेशी कंपनियां नहीं हैं, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के जितने भी नौजवान हैं, घरेलू महिलाएं हैं या रिटायर्ड पर्सन हैं, उन सभी को रोज़गार मुहैया करवाया था। लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई, क्योंकि उनको आदत पड़ी है विदेशी चीज़ें ही यूज़ करने की, उनका प्रयोग करने की। ठीक है, क्योंकि जब कोई अपना ही तरक्की करने लगे तो उसको देखा नहीं जाता। बाहर के दूसरे देश जितना मर्जी तरक्की कर जाएं, उनके लिए तालियां बजाने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए देने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैंने जानकारियाँ इकट्ठी की हैं, कुछ अपने दिमाग को खोलने के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, अंत तक देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में वीडियो देखते नहीं हैं। आपको भी ये होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, मतलब फिर उसके बाद उस सब को इकट्ठा करने के बावजूद एक वीडियो आपके लिए हम पेश करते हैं, और आप उसको एक मिनट में इग्नोर कर देते हैं या बोलते हैं या कुछ भी नहीं है, बेकार है, या स्टार्टिंग में देख के ही। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के बाद ही निचोड़ निकलता है। जैसे आप पिक्चर हॉल में बैठते हैं, सिनेमा हॉल में पूरी फिल्म देखते हैं तो आपको पूरा पता लगता है और आप उसकी स्टोरी सुना देते हैं। लेकिन आप अगर पिक्चर हॉल में 15-20 मिनट बैठ के आ जाएं तो आपको ना पिक्चर का पता लगेगा ना कुछ। तो दोस्तों, इसीलिए मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें, ये देखकर समझने वाला वीडियो है। दोस्तों, अब मैं आगे आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जानकारी क्या है। इससे पहले दोस्तों, आप मेरा ये चैनल वेब वर्क वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई से नई जानकारियाँ खोजने में लगा रहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ उपलब्ध करवा के आपको आपके सामने पेश करूँ। ठीक है, तो ये आज की जानकारी ये सोशल ट्रेड और वेब वर्क के दोनों पब्लिशर्स के लिए है। ठीक है, ये किसी मात्र एक कंपनी के लिए नहीं है, क्योंकि सोशल ट्रेड और वेब वर्क का काम एक जैसा है, और उनके ऊपर आज जो मुसीबत आई है वो भी एक ही है। तो सोशल ट्रेड और वेब वर्क को इकट्ठा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको लाइक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और इसे आगे अपने साथियों को शेयर कर देना ताकि उनको भी जानकारी मिले, क्योंकि मीडिया से आ रही लाभ खबरों से दिमाग ख़राब रहता है दिन प्रतिदिन। कभी प्रिंट मीडिया में, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अजीबोगरीब खबरें आ जाती हैं, क्योंकि दोस्तों उनको TRP इकट्ठी करने के लिए मसाले की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको जाननी है, क्योंकि आप सभी बालिग हो, 18 साल से ऊपर की उम्र के हो, आप सब खुद बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, तो आपको अपना दिमाग खुद लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करते हैं आज से 5 साल पहले
एक हमारे ही देश की स्वदेशी कंपनी, उसके ऊपर भी कुछ ऐसा ही हुआ है जो आज सोशल ट्रेड और वेब वर्क के साथ हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया और उसके बावजूद वो अच्छे तरीके से कोर्ट ने उनको काम करने की इजाज़त दे दी। तो दोस्तों उसी तर्ज के ऊपर वेब वर्क और सोशल ट्रेड की कंपनियां भी चल सकती हैं। अगर आप दोस्तों घर में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे या फिर अपनी ही कंपनियों के ऊपर कंप्लेंट्स करते रहेंगे तो क्या होगा, इसका अगर पता करना है तो PACL पल्स कंपनी के निवेशकों से पूछिए, जिनको आज 5-5 साल हो चुके हैं, उनको एक भी पैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंप्लेंट्स की, ठीक है। अगर इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स की तो उनको पैसा क्यों नहीं मिलता? आपके इर्द गिर्द आपके आस पड़ोस में भी PACL के निवेशक होंगे, ठीक है, जिन्होंने PACL में निवेश किया था, वो तो निवेशक कंपनी थी, ठीक है, लेकिन बोलते हैं कि वो भी 1982 से चल रही थी। अगर 30-35 साल चलने के बावजूद अगर उन्होंने कैसी चिट फंड काम कर दिया होगा, क्या नहीं किया था, क्योंकि किसी को 25-30 साल का किसी को प्लान तो दिया नहीं था उन्होंने कि वो उसके बावजूद वो आगे से आगे, मतलब उनकी मेच्योरिटी नहीं थी, लगभग 5-6-4 साल का उनका प्लान होगा, ठीक है। अगर इतने साल से 35 साल से अगर वो चलते आए हैं तो उन्होंने 5 साल के बाद मेच्योरिटियाँ दी होंगी, ठीक है। तो हुआ क्या वहाँ पर, गलत हो गया, क्योंकि उसका साथ दिया नहीं, उल्टा उसके ऊपर मतलब उसके अगेंस्ट हो गए, कंपनी के अगेंस्ट हो गए, उसी कंपनी के जो निवेशक थे, उसी कंपनी के जो प्रमोटर थे, उसी कंपनी के जो एजेंट थे, उसी के अगेंस्ट हो गए। तो हुआ क्या, वो कंपनी के अगेंस्ट नहीं हुए, वो किसके अगेंस्ट हुए, वो अपने अगेंस्ट ही हो गए। आज वो ही संकट में है, वो ही दुखी हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ और मैं उसके एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ, कोई मेरा ये नहीं है उसी कंपनी का मैं कोई प्रचार कर रही बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं एक उदाहरण के तौर पे कुछ कंपनियों के नाम लेके आपको थोड़ा सा उजागर कर रहा हूँ, क्योंकि हम पब्लिक हैं, हमारे साथ ही गलत होता है, आ जाके हमारे साथ ही कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि उन्होंने किसने क्या किया था, उसका रिजल्ट क्या आया, और किसी ने क्या किया तो उसका रिजल्ट क्या आया। अब दूसरी ओर से पढ़ते हैं, अपनी 5 साल पहले एक कंपनी के ऊपर भी ये सिस्टम आया था कि चिटफंड कंपनी है, ये ला बुला, ऐसी कई खबरें आई थी। उसका नाम दोस्तों RCM, मैं RCM वालों से माफ़ी चाहूँगा, उनका नाम मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, कंपनी से मेरा ये निवेदन है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा सहयोग किया कंपनी को और कंपनी ने भी पूरे ईमानदारी के साथ काम किया, और जो मुसीबत आई थी उसके साथ वो लड़ते रहे और उसके बाद उन्हें जीत मिली। तो वही उदाहरण मैं, इसलिए मैं आपके उदाहरण वेब वर्क और सोशल ट्रेड के पब्लिशर्स के लिए मुहैया करवा रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, अभी ये RCM में 5 साल पहले क्या हुआ था और क्या क्या आया था, चलिए देखो। कुछ कटिंग्स है मेरे पास यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये RCM सर्वर से TTS डाटा निकाला, पुलिस ने चिटफंड एक्ट के तहत मुकदमे में RCM के सर्वर से कर्मचारियों का TDS डाटा निकाला। मतलब दोस्तों बोलने का मतलब ऐसी जो खबरें आई थी उसके बाद उनमें भी RCM में काफ़ी ज़्यादा उनकी जांच हुई, ठीक है। उसी प्रकार से आज वेब वर्क और सोशल ट्रेड की भी जांच हो रही है, ठीक निकल रहा है, इन्होंने भी TDS पेड किया है, अपना जो सर्विस टैक्स है वो भी प्रॉपर तरीके से जमा करवाया हुआ है, जैसे कि RCM कंपनी ने करवाया था, और आज RCM कंपनी अच्छे तरीके से चल रही है दोस्तों। तो अभी दूसरी खबर, अब ये देखिए, ये जंतर मंतर पे इन्होंने जब धरना दिया था RCM वालों ने, तो इसमें देखो बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, अगर हम हल्का हिस्सा नहीं है तो हम समस्या हैं। दोस्तों अगर हम ही हल्का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम ही समस्या हैं, क्योंकि कंप्लेंट्स हम में से ही कुछ नए लोग हैं जिन बेचारों को पता नहीं, कंप्लेंट्स करने वाले भी अपनी जगह सच्चे हैं, जिन्होंने कंपनी के अंत में जब कंपनी में ये दिक्कत आई तब जाके अपनी यहाँ पे वो पब्लिशर्स बने थे, या उसमें वो जो भी उन्होंने अपना पैसा लगाया था, तो बोखलाएंगे, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं, जो कंपनी की शुरुआत से जुड़े हैं, उन लोगों को तो पता है कंपनी ने क्या अच्छा क्या बुरा किया। जो नए आए थे उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला, उसके लिए तो वो बुरा ही होगा, ठीक है। तो उनको तरीके से समझाएं, उनको सारी जानकारियां दें और समस्या ना बने, बल्कि हल निकालने के लिए आगे से आगे, मतलब अब कंपनियों का मतलब साथ दें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि आपको अपने अपनी कंपनी के बारे में अच्छा सब भली भांति आप जानते हैं, चाहे वो सोशल ट्रेड वाले हैं, चाहे वो वेब वर्क वाले हैं।
ठीक है दोस्तों, तो बड़ी अच्छी लाइन है, इसको एक बार फिर से मैं आपको सुना देता हूँ। अगर हम हल्का हिस्सा नहीं है तो हम ही समस्या है, ठीक है। समस्या कोई दूसरे देश पाकिस्तान से तो हमारे लिए यहाँ पे आ नहीं रही हैं कंप्लेंट्स, या किसी अमेरिका से तो आ नहीं रही हैं, हमारे ही यहाँ से कुछ वो चीज़ें चल रही हैं, बौखला के ये चीज़ें हो रही हैं, तो दिमाग से काम लीजिए, ठीक है। तो अगली हमारी ये आरसीएम पर कार्रवाई राजनीति से प्रेरित। अब दोस्तों स्थानीय ये देखो कि इसमें क्या कंप्लेंट थी, आज से ये अखबार है, कटिंग है 27 दिसंबर 2011 की, तो उस टाइम पे अखबार में क्या था, ये दैनिक जागरण की कटिंग है। स्थानीय समाहरणालय के समक्ष आरसीएम उपभोक्ता संरक्षक संगठन में तत्वावधान में गोपाल चौधरी की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें सबसे नीचे क्या, कंपनी में किसी ग्राहक ने निवेश नहीं किया है और आरसीएम बिजनेस के नाम से 25 जुलाई के, मतलब इनका पूरा है, पूरी खबर मैं आपको सुनाने लगूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बोलने का मतलब था कि कुछ ना कुछ इनके पीछे राजनीतिक साजिश रची गई थी, इनका ये कहना है। तो दोस्तों सेम यहाँ पे भी सुनने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इधर उधर से बातें आ रही हैं कि यहाँ वेबर को सोशल ट्रेड के ऊपर भी कुछ इसी तरीके का ही प्रोपोगंडा चला हुआ है, जैसे ही आरसीएम पर बताया गया है कि आरसीएम पर कार्रवाई राजनीति से प्रेरित। अब देखिए, अब यहाँ पे भारत सरकार ने फर्जी चिट फंड निवेश कंपनी की सूची जारी की थी, उसी टाइम की एक खबर है जिसमें आरसीएम का नाम भी था, ठीक है। तो दोस्तों जांच होना कोई बुरी बात नहीं है, जांच होने के बाद जब सब कुछ सामने आ जाता है तो उसके बाद कंपनी अच्छे तरीके से चलती है, ये हमारे देश के न्यायालय ने साबित किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो इनके जो आरसीएम के जो एसोसिएट थे, उन्होंने देखो ये बड़ी अच्छी खबर है, सिर मुंडवाकर किया आरसीएम का समर्थन, ठीक है। तो सिर मुंडवाकर इन्होंने आरसीएम का समर्थन किया है, तो ये होता है कि जिसका नमक खाया है उसके उसका साथ भी देना चाहिए, ये नहीं कि हर दिन आज इनके ऊपर कुछ आ गया तो अगली कंपनी पकड़ते हैं। दोस्तों हर दिन हर महीने नई से नई कंपनियाँ पकड़ने के बावजूद क्या होगा, अगर आपको अपने एमडी सीएमडी का पता लग चुका कि वो बेईमान नहीं है, वो हमारा पैसा लेके नहीं भागे, तो उनका जो उनकी जो थी वो तो अपने आप में ही एक जांच होगी, क्योंकि क्यों आज वो सलाखों के पीछे हैं। अगर वो उन्होंने उनको ये मुसीबत ही नहीं आती, इतने अरबों रुपए उनके पास थे, उसके बावजूद भी वो बैठे रहे, आज सलाखों के पीछे हैं, तो दोस्तों अगर उन्होंने गलत करना होता तो कर जाते। तो अपना अगर आपने भी अगर उसका नमक खाया है तो दोस्तों नमक हरामी नहीं हलाली करनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस प्रकार ये सिर मुंडवा के आरसीएम का समर्थन किया, मैं आपको सिर मुंडवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आपसे हर संभव कोशिश हो कि हमारी ये कंपनी फिर से चले, तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो करना हो, ठीक है। अगली आरसीएम सदस्यों का धरना देखिए, ये जयपुर में बहुत बड़ा विशाल धरना हुआ था, जो आज सोशल ट्रेड कंपनी भी कर रही है, सोशल ट्रेड को मैं सल्यूट करता हूँ, उनके एसोसिएट को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको न्याय भी जरूर मिलेगा। अब ये देखिए आरसीएम के पक्ष में उतरे निवेशक, देखिए सेम यही सिचुएशन थी आज से 5 साल पहले, तो लोग कैसे बैनर बना के सड़कों पर उतर आए थे और किस प्रकार से कंपनी का समर्थन किया था, उसके बावजूद इन सबको जीत मिली, कंपनी को जीत मिली, कंपनी आज चल रही है। तो दोस्तों ये कुछ कटिंग्स थी जो मैं आपके लिए सिर्फ आपके लिए मैं इकट्ठी कर रहा था इतने टाइम से, कि क्या क्या हो चुका है हमारे देश में, पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन जीत कैसे मिली, क्या करने से मिली, क्या करने से नहीं मिली, ये सारी जानकारियाँ इसीलिए मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। दोस्तों आप देखिए कैसे इन्होंने संघर्ष किया था, आज उसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वो एक इन्होंने कंपनी नहीं भेजी, इन एसोसिएट ने इन एजेंटों ने कंपनी चेंज नहीं की, इन्होंने उस वहीं धरना दिया, वहीं काम करते रहे कंपनी के साथ बैठे रहे और आज वहीं पे ये अच्छी पोजिशन पर अच्छा काम कर रहे हैं सारे निवेशक। इन्होंने अच्छे तरीके से अपनी कंपनी का साथ दिया।
तो देखो दोस्तों, ऐसा यही मैसेज मेरा को आपको देना है मेरा, कि आप भी साथ दीजिए अपने अपनी कंपनियों का, तभी जाके इस हिंदुस्तान में तभी जाके न्याय मिलता है। क्योंकि पिछले पहले अगर हमें एग्जाम देना होता है तो हम अपने 4-5 साल पुराने एग्जाम के पेपर, उनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको देख के तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें भी यहाँ पे अपनी तैयारी करने के लिए जो पिछला पहले जो हो चुका है उन सभी को देख कर तैयारी करनी चाहिए कि हमें आगे कैसे न्याय मिलेगा। तो देखो, देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में कि आइए पुराना इतिहास की बातें हैं, ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं, सिर्फ 4-5 साल पुरानी, 5-6 साल पुरानी बात थी कि जब इनके ऊपर ये संकट आया था तो इन्होंने कैसे अपनी कंपनी का साथ दिया। कंपनी ईमानदार साबित हुई, न्यायालय ने उसे ईमानदार साबित किया और क्लीन चिट दे दी काम करने के लिए, और आज वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं उनके अपने जो एसोसिएट हैं और कंपनी के। तो दोस्तों इस प्रकार से न्याय मिलता है, ना कि कंपनियां चेंज करने से न्याय मिलता है कि हाँ जी ऐसा हो गया, कंपनी की वेट कर लेते हैं, जब तक कंपनी का न्याय नहीं मिला तब तक कुछ दिन और काम कर लेते हैं, किसी और कंपनी का पल्लू पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर सभी करने लगे तो क्या होगा, कंपनियां चेंज करते रह जाओगे, न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी बात कड़वी लग रही है या अच्छी लग रही है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा बुरा लग रहा है आप उसमें कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप, आपका अपना दिमाग है, आपने जो करना है वैसे कीजिए, लेकिन सिर्फ आपके लिए अपने जो सोशल ट्रेड और वेब वर्क के जो भी है पब्लिशर्स हैं उनके लिए सिर्फ मैं जानकारी, मेरा वेब वर्क वर्ल्ड का एक नई सी नई जानकारियाँ उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो आपके लिए मैं जो जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ, ठीक है, ये मेरा सहयोग है, मैं अपने आप से एक सहयोग कर रहा हूँ, और बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपने क्या करना है, ठीक है। अभी मैं कंपनी में बहुत बड़े यहाँ पे बड़ा कोई लीडर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ही है, अच्छी खासी इतनी भी नहीं है कि बड़ी CR में बहुत लाखों में है, लेकिन मैं एक हर बंदे के लिए अपना पैसा एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ही थी, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, या 50,000 हो, या 10 लाख हो, या 50 लाख हो, अगर मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो अगर मैं सिर्फ बैठा रहूं कि वो ये करने के लिए कि आ जाएगा तो कैसे आएगा दोस्तों, क्योंकि वो पैसा सिर्फ लगा चुके हैं, क्योंकि जब हमने कंपनी को देखा, अनुराग को देखा कि नहीं अच्छे लग रहे हैं, ईमानदार लग रहे हैं, उनका TDS पैसा कुछ जमा करवाएं, तो हमने खुद अपना डिसीजन लेके हमने जब इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो आज चलो कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो क्या करना चाहिए, आप कोई और कंपनी कर लेनी चाहिए, आप खुद सोचिए, ठीक है दोस्तों। तो एक कल आज 25 तारीख है, 25 फरवरी, एक और एक मैंने अभी यहाँ पे जानकारी देखी थी कि कल कोई धरना प्रदर्शन है, पता नहीं 26 तारीख का, तो वो मैं आपको बता दूं क्या है क्या नहीं, तो आप खुद देख लीजिए। तो दोस्तों ये एक मैंने यहीं देखी यूट्यूब में कि कल सोशल ट्रेड, सोशल मीडिया एक्सचेंज, ये भी कोई बड़े अच्छे साथी हैं जिन्होंने बड़ा सा मैसेज दिया है सोशल ट्रेड और वेब वर्क वालों को कि एक हो जाइए, अगर एक होंगे, इनका मैसेज बड़ा अच्छा था कि जैसे एक एग्जांपल था कि एक एक लकड़ी टूट जाती है, लेकिन ये सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो एक अच्छा गट्ठा बन जाता है और उसको तोड़ना असंभव हो जाता है। तो दोस्तों इन्होंने बड़ी अच्छी एकजुटता की बात बताई हुई है, तो ये है इसमें इन्होंने दिखा हुआ बड़ा अच्छा मैसेज है इसमें, इस बैनर में वेब वर्क और सोशल ट्रेड एक हों, 26/2/2017 2 बजे जंतर मंतर पर पहुंचे। दोस्तों इसमें ये मैसेज है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है, आप खुद जांच लें। 26/2/2017 को 2 बजे जंतर मंतर पर पहुंचे, तो क्या है क्या नहीं है वो आप खुद इसकी जांच पर कर लें। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उसमें काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, एडवोकेट साहब हैं सोशल ट्रेड के, उन्होंने बहुत अच्छे बखूबी तरीके से बताया है कि अभी कंपनी में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, और 20 तारीख को कुछ रिजल्ट भी आने को कहा था, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये तो दोस्तों ये आप खुद देख लें, खुद जांच पर कर लें कि क्या है क्या नहीं है। तो क्योंकि ये एडवोकेट साहब हैं
तो वेबर को सोशल ट्रेड का काम एक है और उनके ऊपर जो दिक्कत परेशानी आई है वो भी सेम ही है, ठीक है। अगर एक बीमारी होती है तो डॉक्टर एक ही मेडिसिन देता है, ठीक है, कि ये अब जिसको अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द है तो उसको डॉक्टर सेम चीज़ दे देता है। कई बार दस्त लग जाते हैं लोगों को तो सेम उसी प्रकार की दवाइयाँ डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं हॉस्पिटलों में। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर वेबर को सोशल ट्रेड के ऊपर अगर आज कोई दिक्कत परेशानी आई हुई है तो उसकी एक ही दवा है। तो जो ये वकील साहब बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप देख लो क्या बोल रहे हैं, तो समझ लो वेबर वालों भी कि क्या है क्या नहीं है क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बस ये वीडियो दिखा रहा हूँ। मित्तल जी को तो उनसे बात करते हैं कोर्ट से, तो आप इस बारे में देखिए, अभी जमानत तो अभी उनपे स्कैम लगाया और डायरेक्ट जो है जी 1 तारीख से जेल में है, उनकी जमानत भी अभी खारिज कर दी गई लोकल कोर्ट से, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यों जमानत क्यों नहीं हो पा रही? देखिए अभी जमानत तो अभी उनपे स्कैम लगाया और डायरेक्ट जो है यूपी गवर्नमेंट की ओर से जो है FIR लॉन्च की कराई गई है और उसके बाद अनुपम मित्तल जी को कस्टडी में लिया और मीडिया ने जो बताया वो जमानत क्यों नहीं हो पा रही? देखिए अभी जमानत तो अभी उनपे स्कैम लगाया और डायरेक्ट जो है यूपी गवर्नमेंट की ओर से जो है FIR लॉन्च की कराई गई है और उसके बाद अनुपम मित्तल जी को कस्टडी में लिया और मीडिया ने जो बताया वो ₹1 करोड़ का स्कैम टोटल बताया है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जब आप जंतर मंतर पे देखा तो करीब 6 लाख लोगों का समर्थन और इससे भी ज्यादा लोगों का समर्थन वहां पे आया। वो लोग उन लोगों का ये कहना है कि हमारे साथ किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं हुई है, हमारे को जो अनुभव मित्तल की जो कंपनी है उसके द्वारा पैसा रेगुलर भेजा जा रहा था और जिनका पैसा डिले हुआ तो उनके साथ भी कोई चीटिंग हुई नहीं है और अभी जितने भी अकाउंट जो सीज किए गए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा उस पर भी जांच चल रही है। मेरा सभी से ये कहना है कि जितने भी आप लोग हैं इससे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं, करीब 12 लाख लोगों से ज्यादा का परिवार आप लोगों का है, मीडिया ने जो बताया मीडिया का कुछ बात समझ में आई नहीं, कोई कह रहा है कि ये स्कैम है और उनके पास कोई सबूत नजर नहीं आ रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है कि कंप्लेंट जिसने दर्ज कराई कोई कंप्लेनेंट ऐसा नहीं है जिसकी अकाउंट में पैसा जमा हुआ और उसने फिर कंप्लेंट कराई, कंप्लेंट भी डायरेक्ट जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ही डायरेक्ट कंप्लेंट करा के अनुभव मित्तल को जो है कस्टडी में रखा गया। उन्होंने 420, 467, 468, 471 और 34 की जो सेक्शन इंडियन पिनल कोड के लगाए उसमें भी कुछ विरोधाभास इसलिए है कि चीटिंग होगी तो पहले क्या चीटिंग हुई, चीटिंग का इंटेंशन क्या था, उसको भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इतनी जल्दी क्या थी उनको अरेस्ट करने की, यूपी के चुनाव चल रहे थे, अखिलेश यादव से क्या संबंध था, ये सारी चीजें जानने योग्य थी, मीडिया ने भी उसको एक तरफ दिखाया। रिजवान जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने 2 दिन की भूख हड़ताल की जंतर मंतर पे, उसके बाद भी अनुपम मित्तल जी को जमानत नहीं मिली, लेकिन उसका कुछ असर देखने को मिला? पूरा परिवार हिंदुस्तान से हमारे साथ है, मुझे बहुत फोन आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से और मैं सबका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। हमारा परिवार ये 12 लाख लोगों का परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है और हमारे, मैं तो कहता हूँ कि जो मुखिया हैं अनुभव मित्तल जी वो हमारे बीच में नहीं है। अभी वकील साहब ने बहुत तफसील से पूरी बात बता दी, मैं सब लोगों से एक गुजारिश कर रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होकर के कि सब लोग साथ रहें, बने रहें, झूठी अफवाहों पर न जाएं और दूसरी तरह से ना जुड़ करके बस एक ही सोच बनाए कि हम अनुभव मित्तल जी के साथ हैं, वो हमारे बीच में आए, जल्द से जल्द हमारी कंपनी चालू हो जाए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया होगा तो अब आप समझ आ रहे हैं, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि क्या था ये, मेरी सारी जानकारियाँ इधर उधर से इकट्ठी करके एक वीडियो बनाया गया। अब आपको अपना दिमाग खुद लगाना है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बस मेरी अपनी सोच में जो आया वो मैंने आपको बता दिया, अब आपकी सोच में क्या है क्या नहीं है आप उसका फैसला खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बस इसी प्रयत्न में रहता हूँ कि सोशल ट्रेड और वेब वर्क एसोसिएट को ऐसी नई जानकारी मिलती रहे, क्योंकि जो पब्लिशर्स होते हैं बेचारे वो सोचते रहते हैं कि आज कुछ खबर आए, और मैंने देखा है यूट्यूब में बड़ी सारी गलत अफवाहें, बड़ी सारी गलत खबरें भी चली रहती हैं, अजीब अजीब देखते रहते तो उसको छांट करनी पड़ती है, क्या है बाहर कुछ होता है और अंदर कुछ और ही निकलता है। तो दोस्तों इसमें और ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर और ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है कि ऐसी ऐसी जब चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से आप बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप
जो ये मैंने आपको ये सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। अब आप इस मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी जो भी अपडेट है, किसी भी तरह की जो भी अपडेट है, किसी तरह का जो भी अपडेशन है, वो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने आप आ जाएगी। तो आप सीधे अपने जो आपका यूट्यूब चैनल है वहाँ पर नोटिफिकेशन में जाके सीधे आप देख सकते हैं कि नई अपडेट क्या आई है। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, छांट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आपके जितने भी आपके जो जितने सदस्य हैं या आपके जो भी सहयोगी हैं या आपके रिश्तेदार हैं उनको भी आप ये सब्सक्राइब कर दीजिए कि नई नोटिफिकेशन सबको चली जाए। या आप इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर कर सकते हैं और इनको आप बोल सकते हैं, एक हेल्प ही है। ठीक है, मैं अभी ये सारी जानकारी इकट्ठी करता हूँ, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मैं मुहैया करवा रहा हूँ, तो आप भी मेरा थोड़ा सा साथ दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो तैयार किया होता है, अपडेट इतनी मेहनत से तैयार की होती है, तो आप भी अपना सहयोग दीजिए। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर कोई आपके पास कोई जानकारी है या कोई किसी प्रकार का आपके पास कोई विचार है तो आप यहाँ से इस चैनल में साझा कर सकते हैं। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट दे दीजिए, जो भी आपको जो भी है आपके मन में वो कमेंट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगले मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ आपके सामने द्वार से पेश हो रहा हूँ, क्योंकि अगली मेरी फिर से कार्रवाई चली हुई है कुछ नए वीडियोज़ के ऊपर। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।